डिस्कस कर रहे हैं शॉर्टेस्ट मेथड ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट चेक करने का। तो देखते हैं कैसे चेक करते हैं किसी भी सेट ऑफ वेक्टर्स को, li और ld, मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। हमारे पास एक सेट गिवन है वेक्टर्स का, जिसमें है 1 0 1 0 1 1 and 1 1 0। ये हमें एक सेट दे रखा है वेक्टर्स का और इसे हमें चेक करना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है और डिपेंडेंट है। तो देखते हैं कि शॉर्टेस्ट मेथड से कैसे चेक करेंगे। जैसे हमने लास्ट वीडियो में मेथड देखा था a1 b1 plus k a2 b2 plus and so on plus an bn equal to 0। तो ये थोड़ा लेंथी मेथड था, इससे अगर हम करेंगे तो काफ़ी टाइम लग सकता है। और इस मेथड से अगर हम देख चेक करते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो इजीली चेक कर सकते हैं। पहले हम इसके एक मैट्रिक्स बना लेंगे, जो गिवन वेक्टर्स हैं हमारे, उनका एक मैट्रिक्स फॉर्म कर लेंगे। मैट्रिक्स बन जाएगा, ये एक रो के फॉर्म में गिवन है, 1 0 1 0 1 1 and 1 1 0। तो इन्हें हम कॉलम वाइज लिख देंगे। कॉलम वाइज लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 0 1 0 1 1 and 1 1 0। ये हमारा एक मैट्रिक्स 3x3 का मैट्रिक्स क्रिएट हो गया गिवन वेक्टर्स की हेल्प से। ये वेक्टर्स हमें गिवन है और इसकी हेल्प से हमें क्या गिवन क्या बना लिया है, मैट्रिक्स बना लिया है। ये मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। अब हमें चेक करना है कि ये li है या नहीं। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना होता, हम मैट्रिक्स की रैंक निकाल के देख लेंगे। मैट्रिक्स की रैंक से हमें पता चल जाएगा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है और डिपेंडेंट है। देखते हैं, 3x3 का हमारा ये मैट्रिक्स है। अगर हम इसकी रैंक निकालते हैं तो रैंक निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले हम इसके एक्लन फॉर्म बनाने की एक्लन फॉर्म बनाने के लिए क्या करना होता है, हमें यहाँ पर 0 बनाना होता है ट्रायंगुलर फॉर्म में। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना देते हैं जैसे, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे, यहाँ पर 0 बना लेंगे। 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 0 1, जिस रो में हम ऑपरेट करेंगे उस रो में ही चेंज करेंगे, अदरवाइज बाकी रोज हमारी सेम ऐसा जाएंगी। तो 0 1 1, मैंने फर्स्ट एंड सेकंड रो को एज इट इज लिख दिया और थर्ड रो में मैं चेंज कर रहा हूँ। क्या चेंज करना है, R3 में क्या चेंज करना है, R3 minus K R1। अगर मैं R3 minus R1 करता हूँ तो यहाँ पर मुझे 0 मिल जाता है, क्योंकि 1 minus 1 यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो ये 0, ये 1 और 0 minus 1 minus K 1। तो हमें 1 0 हमने बना लिया है। 1 0 बनाने के बाद अब हम यहां पर भी 0 बनाएंगे। अब क्या करेंगे, यहां 0 बनाने के लिए, यहां 0 बनाने के लिए R3 में ही ऑपरेट करेंगे। तो बाकी रोज जो है हमारी भी ऐसी आ जाएंगी, 1 0 1 एज इट इज, 0 1 1 एज इट इज। क्या करना है यहां 0 बनाने के लिए, सिंपली R3 minus R2 कर दूं। R3 में मैंने करा R3 minus K R2 करा, तो 0 minus 0 0 आ जाएगा, 1 minus 1 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और -1 -1 -K 2, ये -K 2 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी आ गई। रैंक सपोज दैट ये मैट्रिक्स हमारा A था, और A मैट्रिक्स की रैंक कितनी मिली, रैंक ऑफ A इक्वल टू, रैंक ऑफ A इक्वल टू 3। A की रैंक 3 मिली, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 इंडिपेंडेंट रोज हैं, R1 भी इंडिपेंडेंट है, R2 भी, पर R3 इंडिपेंडेंट। मींस दैट तीनों रोज के अंदर एलिमेंट है, ये फर्क नहीं पड़ता, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें एक कम से कम एक एलिमेंट तो है। और अगर एक भी एलिमेंट हो जाएगा किसी भी रो के अंदर या कॉलम के अंदर, वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो तीनों रोज कैसी है, इंडिपेंडेंट, रैंक ऑफ A इक्वल टू 3 हो गई, और 3x3 का मैट्रिक्स था। तो कैसा हो गया ये, रैंक किसके इक्वल हो गई, रैंक ऑफ A इक्वल टू n, रैंक ऑफ A इक्वल टू n, इज दैट n है हमारा 3। तो कैसा हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट।
लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये था मेथड हमारा चेक करने का कि मैट्रिक्स मेथड से हम कैसे चेक करते हैं किसी भी सेट ऑफ वेक्टर्स को कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा और डिपेंडेंट होगा। इस मेथड से अगर हम करते हैं ये कंडीशन काफी लॉन्ग हो जाती है क्योंकि इसमें हमने सबसे पहले इससे अगर हम चेक करते तो इसमें सबसे पहले a1 a2 a3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती तो उसमें काफी टाइम लग जाता है। इस सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन है इस क्वेश्चन में, इसे हम चेक करना है कि li है और li है। तो सिंपली जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें क्या करा था, हमने मैट्रिक्स फॉर्म बनाया था वेक्टर्स का। तो ये हमारे वेक्टर्स हैं, ये v1 v2 एंड v3, ये सेट ऑफ वेक्टर्स हैं। तो इसका हम सिंपली एक मैट्रिक्स बनाने हैं। सपोज दैट a इक्वल टू मैट्रिक्स हमारा क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स बन जाएगा, ये हमारे रो की फॉर्म में गिवन है तो हम इन्हें कॉलम की फॉर्म में लिख लेते हैं। मैट्रिक्स में क्या बना लेंगे, बेसिस की फॉर्म में है तो हम इन्हें कॉलम बना लेंगे। क्या हो जाएगा मैट्रिक्स 1 1 0 and 0 1 -k1, एज इट इज 1 2 and -k1, 3x3 का मैट्रिक्स है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, सेम एज ऐसे ही से हम सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, मैट्रिक्स का रैंक निकाल लेंगे। तो मैट्रिक्स का रैंक निकालने के लिए हमें एक्लन फॉर्म बनाना होता है। एक्लन फॉर्म बनाने के लिए हमें यहाँ पर जीरो की नीड होती है, तो R3 में ऑलरेडी एक जीरो है, अब हम यहाँ R2 में जीरो बनाने के लिए क्या कर लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इसे R2 में जीरो बनाने वाले हैं R2 में। तो R2 में हमें चेंज करना है तो R1 एज इट इज लिख लेंगे, R1 हो जाएगी हमारी 1 0 and 1। अब क्या करना है, R2 में जीरो बनाना है, तो R2 में जीरो बनाने के लिए हम कैसे करेंगे, R2 माइनस के R1 कर लेंगे। कैसे, क्योंकि 1 - 1 जीरो जाएगा तो हमें यहाँ जीरो बनाना है, तो R2 - R1 करना है, तो 1 - k1 जीरो, यहां पर जीरो बना, 1 - k0 1, 2 - k1 1। अब R3 को एज इट इज लिख लेते हैं, R3 को 0 - k1 and -k1, ये भी 3x3 का हमारा मैट्रिक्स चल ही रहा है। अब हम देख रहे हैं R2 और R3 में सेम रिलेट कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये सारी जीरो बन जाएगी, क्यों, क्योंकि अगर मैं R3 और R2 को ऐड कर लेता हूं तो R3 कंप्लीटली जीरो बन जाती है। देखते हैं, तो R1 एज इट इज 1 0 1 0 1 1। अब हम क्या कर रहे हैं, R3 में चेंज किया है, R3 में क्या चेंज किया है, R3 + R2 कर रहे हैं, तो ऐड करते हैं 0 0 0 -1 + 1 0 - 1 + 1 0। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि R3 जो कंप्लीटली जीरो हो चुकी है, एक रो हमारी R3 है, ये कंप्लीट जीरो हो गई है। कंप्लीट जीरो होने का मतलब है ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाती है, यहां पर कोई एलिमेंट नहीं आया तो ये नॉन इंडिपेंडेंट हो जाती है, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाती है रो। किसी भी मैट्रिक्स में कोई भी रो अगर जीरो बन जाए या रैंक जैसे हम निकाल रहे हैं, सिंपली हमने इसका मैट्रिक्स का रैंक ही निकाला है, तो यहां पर रैंक में कितना आया, rank of A इक्वल टू 2, बिकॉज देयर इज ओनली 2 इंडिपेंडेंट रोज, यहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट रो है तो रैंक कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि रैंक हमारा मैट्रिक्स का कितना है, 3। इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या था, इंडिपेंडेंट होने के लिए क्या था, R A = n, मतलब रैंक ऑफ A इक्वल किसके होना चाहिए, n के, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एंड देयर इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3x3 एंड n इज 3, n कितना है 3 है, और यहां पर रैंक कितना है 2 आया, तो rank of A is less than n, therefore this is set of vector is linearly dependent, ये linearly dependent हो जाएगा। तो ये था हमारा shortest method।